राम राम भाई, सारे भाई आना है। स्वागत आपसे हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो। थोड़ी हवा चल रही है यार, अगर माइक बना हुआ करो समझो ना, तो थोड़ा देख लियो, मैनेज कर लियो यार। आज थोड़ी तेज हवा चल रही है, आज कुछ तूफानी होने वाला है हमारे लिए, तो और का तो पता नहीं। तो आज कार की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल ना दो कहोगे रेडी, अपने सारे सारे बंदे नीचे गाड़ी में वेट कर रहे, उन तो मिलवाऊंगे आपसे भी ना। फिलहाल राम राम भाई, सारे भाई आना है। तो भाई आज अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया, 3-4 दिन हो गए थे वहाँ पर पानीपत खड़ी है वो। और भाई कई भाई ने तो कमेंट कर दिया, मैंने पूछा था कि भाई क्या काम हम करवा रहे हैं, कई भाई ने तो कमेंट कर दिए, और जिन भाई ने नहीं बेरा कि क्या काम हम करवा रहे हैं। तो आज वीडियो में भाई मने रहो, आपसे पता लग जाएगा। और भाई एक्साइटमेंट अंदर से हो रही है कि कैसी लुक गाड़ी निकल कर आओगी। और भैया काम जो हम करवा रहे हैं वो भाई ने करवाना था, कोई बात नहीं भाई, अब हम करवाने लग रहे। और सेफ्टी भी अच्छी गाड़ी की, इस काम जो हमने करवाया, और लुक भी अच्छी आओगी, शाइनिंग भी अच्छी आओगी। चलते हैं, टीम मेम्बरों को हमने फ़ोन कर दिया, वो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। और आने के बाद जॉन डियर 52 और अपनी थार का टोचन करेंगे भाई। थार का बड़े टायर हमने डाल रखे हैं, और थार का और 52 का टोचन करके देखेंगे। मने रो वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाली है, मिलते हैं रास्ते में जाके। भाई देख लो, मानो ना अंदर एसी चल रहा और अंदर नहीं जा रही, जान बूझ गया मेरे साथ साथ बार फिर है गर्मी में। टोचन किंग में टोचन डल ही रहे यार, टोचन किंग में टोचन डल ही रहा भाई। कोई इसको तो बस फंसता ही टोचन करने वाला हम ना, क्या बात है। वॉशिंग करके खड़ा कर रखा ट्रैक्टर भी, ये अपनी i20 खड़ी और थार और आ जाएगी। और सब राज दिखा देता हूँ, मौसम खराब हो रहा बाकी, ये देखो मौसम। ये अपना बुलडोजर खड़ा है, एक आध दिन में इसको निकाल लेंगे, एक दो पैकिंग इसकी भी लिकिंग हो रही, वो भी डलवानी है। और वो स्टीरियो का जो बॉक्स था उन भैया तुमने दे दिया, वो भी इसका मनवाना है। ट्रस्ट वाले भैया तुम तो दे दिया, तो इसका अपना नया मनवा लेंगे गाड़ी, और चलते हैं। लो भाई जाने लग रहे, और जिस बात कट रहा था बारिश आ गई, और देखते हैं भाई जा कर मौसम और बढ़िया हो गया। मौसम तो यार मजा होगा, इतना गंदी हो जाएगी भाई। देखो तो नहीं ले, जाकर देखते हैं भाई ठंडा मौसम होगा, कैसा क्या काम हो रहा है, जाकर आपसे भी दिखाते हैं। और सोनू और सुमित भाई आज कहीं पर काम जा रहे, बाहर नहीं जा रहे, जमींदार हो रहे, खेती कर रहे बड़ी। बस भाई उन्हें फिर काट रहा, कोई चीरी लुआ रहा, थोड़े खेत भी उनके थोड़ी दूर है, बारिश पड़ी है रे, तब तब पानी होने लग रहा खेत में। और खेत भी थोड़ी दूर उनके पास होते तो भाई अलग बात है, थोड़ी दूर खेत है तो पड़े वगैरह कद्दू वगैरह करने लग रहे, और ऊपर तो बारिश आ रही है। अभी स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ, जैसे पानी की थोड़ी कमी हो रही, शॉर्टेज पड़ रही है, तो पानी पूरा हो जाएगा, रघु दूर मंड रहे हैं। बारिश का मजा भी अलग है भाई, तो सफर में देखी कभी ठंडी गाड़ी हो रही, हर काम में भी मजा लगे गर्मी में। तो गाड़ी के पास जाके, तो भाई देखो बारिश, अब घर था ही नहीं, थोड़ी बारिश थी बस, मौसम मौसम बारिश का था। बारिश चल रहा है रोड, पानी भर गया बिल्कुल, देखो जहा तगड़ी बारिश आ गई, पानी पहुंच के बारिश बहुत ज्यादा तेज आ रही, और गाड़ी अपनी अंदर खड़ी, दिखाते हैं भी अंदर जा गए, देखते हैं भाई कैसा क्या काम हो रहा है। तुम जान दिन हो गया, 3-4 दिन हो गए, किसी गाड़ी अभी पहली गाड़ी अपनी, इसके बाद अपनी शिफ्ट पे भी चलो देखेंगे, तो बाद की बात है, पहला था रहे हाँ। ये देखो भाई बारिश ज्यादा तेज है भाई, अंदर गाड़ी लेके चलेंगे, अंदर उतरेंगे नहीं कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे आज सुबह तो बुखार है, 2 इंजेक्शन लगवा कहा था, बस असली में बताना चाहता हूँ, चल कोई नहीं, बुखार है भाई। लो भाई बारिश ज्यादा तेज आ रही यार, यार थोड़ी तबीयत डाउन थी आज इसलिए लेट हो गया। और दिखा देता हूँ आपसे भी को, लाइट भी आ गई, गाड़ी खड़ी है अपनी, ये देखो थोड़ी देर का वेट करो, दिखा देते आपसे भी कैसी लुक आई और कैसी शाइनिंग आई गाड़ी में, देख के भाई बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आप सभी का। लो भाई फाइनली अपनी थार रेडी होगी, और पानी पता हमने काम करवा, ये भाई बताऊंगे आपसे भी बता दे कितने दिन में गाड़ी तैयार करता भाई, और कौन सी पीपी आप करा। तो भाई क्या हाल है भाई? भाई कैसे हो?
ठीक ठाक है भाई। तो भाई किसी भाई ने पीपीएफ करवानी हो तो अपनी गाड़ी पहला कौन सी पीपीएफ करी पहले तो ये बता दो। और कितने दिन में गाड़ी तैयार हो जाए? तीन दिन में। और गाड़ी आप प्राइस अलग करो है? अलग-अलग है सब। अच्छा हाँ। और पानीपत में किस जगह पे है ये? सेक्टर 25 इंडो फार्म चौक पार्ट 2। सेक्टर 25 इंडो फार्म चौक पार्ट 2। इसी के अपने मन पसंद का पीपीएफ को करवाना चाहो गाड़ी मोड़ लगा भी कर दो भाई। हां सारा काम कर दो। सारा काम कर दो भाई पीपीएफ तक भाई। नीचे लो क्वालिटी भी आ जाने से भाई ने अपने हिसाब से करवानी। बाकी बास्ट्रिया है 7 साल वाले अपनी या करवाओ ड्रैगन जोन का नाम बोल रहा है तो लो क्वालिटी भी कोई फायदा नहीं भाई। पेंट वगैरह उतरा कर ला फिर लुक चेकआउट करवा देते हैं। चमके मार रही भाई ऐसी तो नई भी नहीं आई थी मेरे चाहो भाई तेने नई भी नहीं आई इतनी सरज गड्डी पा गई थी भाई जैसी कोई दिन नहीं अलग ही दिखने लगी थी रंग भी वो लगे पूरा पूरा दिन गाड़ी में खड़ी रहो दिया पूरा पूरा दिन गाड़ी में लगा रहती गाड़ी कोई बच्चा कभी कुछ लगता रहो एक सारी जी बना ली भाई हमने ये भी नहीं गाड़ी थी दिखाता हूँ सभी को देखो बस भाई चार तो मुस्कुराहट जा नहीं रही गाड़ी देख के ना इतना अच्छा काम हो रहा। बाकी आप सभी वीडियो में देख ही रहे होगे भाई और बाहर निकल के और भी अच्छी लुक आओगी इसकी क्योंकि यहाँ पर तो अंदर खड़ी है बाहर और साइनिंग मारेगी। देखो भाई कती ऐसा कैसा फेस दिख रहा गाड़ी में। लो भाई देखो मेरा भाई बोलिया करता भाई कि पीपीएफ करवानी है गाड़ी पे और जल्दी करवानी है तो कोई नहीं भाई ये भी पूरा कर दिया मैंने तो आराम आराम से धीरे धीरे लग रहा भाई तेरा छोटा भाई सारे काम करने छोटी मोटी जो गलती हो भाई वो छोटे भाई की माफ़ करिए। और भाई लग रहा हूँ मैं जितना मेरे से हो रहा है तो और भाई देखो अब कितनी अच्छी लुक आ रही भाई गाड़ी नहीं हरदम ऐसे ही चमके मारती रहोगी कती हर टाइम। मैं तो भाई इसको वाशिंग भी डेली डेली करता रहूँ इस बात का हमारे भाई अभी भाई का सपना पूरा हो गया पीपीएफ का भी बहुत ही अच्छी पीपीएफ करवाई। ये भी नहीं है कि भाई पीपीएफ अच्छी नहीं हुई अब तो गाड़ी अलग ही लग रही है बस अब रह गई शीशे की बात आप सभी कमेंट करें और मुझे दिख रहा है एजेंसी में नहीं ये मंगवा दिया शीशा एक दो दिन में चेंज हो जाएगा और भी लिख के हमने डाल दिए अंदर थोड़ा मोटा और काम करवा देंगे अब फ्री हो गए अब ट्रैक्टर पर थोड़ा काम करवा के फिर अंदर में मॉडिफिकेशन करवा देंगे थोड़ी बहुत लाइटों की मॉडिफिकेशन करवा देंगे फिर सबसे अलग दिखेगी अपनी गाड़ी अभी भी दिखती है भाई रोड पर चलते हैं सिस्टम हैंग करता है भाई गाड़ी नहीं है अपने बड़े भाई गाड़ी है जहाँ पर चलता सिस्टम हैंग करता है भाई। लो भाई गाड़ी अगर बाहर निकाल ला और आप सभी को फिर रोड पर जाकर लुक चेकआउट करवाओगे और भी अच्छी जो साइनिंग आओगी नहीं वो बाहर जाकर आओगी और अभी गाड़ी को बाहर निकाल ला सच में यार दिल खुश हो गया यू काम करवाते ही मिस यू ब्रदर आज तो होता तो भाई अलग ही बात होती अलग खुशी होती गाड़ी चमका के रखी रहती बिल्कुल जी लग गया यार पति। बाहर निकलेगी गाड़ी अब देखो तू कैसी आ रही साइनिंग मेरे वीरो साइनिंग 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 आ रही गाड़ी भाई ये देखो। लो भाई यहाँ पर हमने काम करवाया देख सकते हो आप ये पानीपत में है और ये अपने भाई सब्सक्राइबर आ रहे ठीक है भाई और भाई सुना दे वो ठीक है खुश है चलो चलते हैं घर पर कुछ जाकर तूफानी करते हैं टोचन वगैरह और साथ में अपनी गाड़ी घोरा रही भाई गाड़ी लेके चल पड़े और निकलते ही पानी में है सारे रोड गंदे हो रहे बारिश की वजह से तो सारी गाड़ी घर तक तो हो जाएगी गंदी कोई नहीं बाद में वॉशिंग कर लेंगे गाड़ी की भाई बहुत ही अच्छा काम हो रहा है यार ये देखो वेट किया 2-3 दिन का तो इतना अच्छा काम भी हो रहा है और घर पर जाते हैं अब मैं जाके कुछ तूफानी करते हैं टोचन वगैरह करके दिखाते हैं आप सभी को।
लो भाई पहुंचने वाले घर पे, जहाँ पर ट्रैक्टर का वेट करवा था निकल रात, तो वो एक अपनी गाड़िया करवा ला, फिर देखते हैं बाउंड के साथ वजन करके पता लग जाएगा अपनी गाड़ी में कितना वेट है। अब देखते हैं भाई गाड़ी में कितना वेट है, ज्यादा गंदी हो गई होगी, क्या हाल हो गया। उन्नीस बीस है भाई अपनी गाड़ी वेट, 19 क्विंटल 20 किलो, ट्रैक्टर में 21 कुछ था, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही हुआ है, बाकी कोई बात नहीं, थार के साथ टोचन करके देखते हैं। अब चलते हैं स्पीड तक घर पे, और घर तक ट्रैक्टर लेगा टोचन करना है थार के साथ। मने रहो वीडियो में, आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, कुछ भी सीन हो सकता है भाई, ये देख लो अब थार के साथ टोचन होगा तो कुछ भी सीन हो सकता है। ऊख मैंने इसका मन मारा कि अभी तक वो उख तो आया नहीं, वैसे जो इसका सिंपल ऊख हुआ है नहीं उस पर टोचन कर लेंगे।